मेरा नाम इफ़त ज़हरा है मैं सात साल से टी में काम कर रही हूँ कैपिटल कैंपस कोरियम एक गांव है जो लाहौर के एक मतवस्त इलाके से ताल्लुक रखता है लोगों का ज़रिया मुआश खेती बाड़ी है और लोगों को तालीम के बारे में जो पढ़े लिखे हैं उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि तालीम का जो है एक्चुअली हमारे मुआरे पे क्या असर होना चाहिए तो टी तो, सी ने जो है वो तालीम के और तरबियत के बारे में बहुत ज़्यादा जो है लोगों के ऊपर असर डाला है बहुत अच्छा असर डाला है जिसमें आगाही एक बहुत अच्छा जो है वो स्टेप है मेरे पास औरतें भी थी जिनको हमने बहुत प्यार से बहुत तरीके से समझाया कि तालीम के किसी उम्र की जरूरत नहीं होती वो जो है वो कभी भी आप हासिल कर सकते के लिए जो है वो कोई एज नहीं होती तो हमने उनको भी सिखाया आप माशाल्लाह जो है वो पढ़ना लिखना सीख चुकी हैं और अपने बच्चों को ख़ुद अच्छे तरीके से रुकावटर कर सकती हैं टी का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव ये भी है कि हम अपने नॉन फैकल्टी स्टाफ को भी गाइड कर सकते हैं उनको भी पढ़ा सकते हैं उनको भी जो है तलीम के जो जेवर से रास्ता कर सकते हैं मेरे पास एक आया है जो विहाड़ी से आई थी और उनकी जो है वो इतनी अच्छी माशा वो वो आप पढ़ लिख लेती हैं गाही के तवसत से कि आप वो अपने बच्चों को ख़ुद रुकावटर कर सकती हैं और उन्हें पढ़ा सकती हैं मेरा नाम तस्लीम अख्तर है मैं विहाड़ी के रहने वाली हूँ उधर मेरे बच्चों का कोई मुस्कबिल नहीं था हमारा मियाँ इधर मज़दूरी करता था तो फिर मुझे पता चला कि टी के स्कूल में के बारे में फिर इधर स्कूल टी में आई और बच्चों का मैं मैडम एफत जा रहा है उसको उसके पास आई उसने हमारे बच्चों का दाखिल भी किया फिर मुझे भी जॉब दी फिर मैं आया के तौर पे इधर काम करने लगी तो मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का पढ़ने लिखने का मैं इधर पचा पता चला मुझे कि वो आगाही का प्रोग्राम हो रहा है फिर मैंने तीन चार सेक्शन इधर पढ़े हैं पढ़ के वो अब आज मुझे जो है ना वो पढ़ना लिखना आ गया है का, काम से फार होकर फिर मैं लाइब्रेरी में चली जाती हूँ उधर जो हमारी पसंद की कहानियाँ आती मैं वो पढ़ती रहती हूँ वो छोटा हमारा बेटा है ना के जी क्लास में पढ़ता है जब वो छुट्टी के टाइम घर जाता है तो उसको मैं साउंड सिखाती हूँ के जी क्लास के वो मुझे याद हैं लग मेरा मियाँ वो नहीं पढ़ा हुआ हाँ जब मैं किताबें घर लेके जाती हूँ ना और उसके सामने पढ़ती हूँ तो पढ़ने को वो मुझे देखता है ना उसे भी एक शौर नजर आता है कि मैं भी काश पढ़ा होता तो मैं भी पढ़ता जब उधर मैं जाती हूँ ना मेरे बच्चे पहले तो वो पंजाबी बोल देते हैं अब मेरे छोटे तीन बच्चे हैं ना वो उधर जाते हैं ना वो उर्दू बोलते हैं तो सारे लोग देख कर ना वो कहते हैं कि देखो इसका कितना अच्छा मुस्कबिल है मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के और कोई बड़े आदमी बने और मेरे ये दिल का ख्वाब अल्लाह मियाँ पूरा कर दे कि मैं देखूँ कि मेरे बच्चे कोई भी ये कर रहा है कोई एम ए कर रहा है तो सारे करके ना मुझे बड़े से बड़े आदमी बन